2021 के स्मार्ट सिलेबस में एक्सरसाइज नंबर 1.3 में जो क्वेश्चन इंक्लूड हैं वो हैं 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 एंड 14, मगर यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा जो दो वीडियोस में है, ये वीडियो 1 है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 और जो 2021 में सिलेबस में क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब जो इंक्लूड है इस एक्सरसाइज में, वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, लेट ए एंड बी बी 2 by 3 एंड सी एंड डी बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से मतलब है वो हमारे पास उसमें जो रोज और कॉलम की तादाद है वो सेम है, मतलब वो 2 by 2 भी हो सकते हैं, वो 3 by 2 भी हो सकते हैं, 3 by 3 भी हो सकते हैं, 4 by 4 भी हो सकते हैं, दोनों में रोज और कॉलम की तादाद सेम होगी। मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर डिफाइंड, मतलब जो यहाँ पे ऑपरेशंस दिए हुए हैं, ए प्लस बी एडिशन है, बी प्लस डी एडिशन है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये अगर डिफाइन है फॉर दोज, मतलब किन के लिए ये डिफाइन है, हम ए और बी को ऐड कर सकते हैं, बी और डी को ऐड कर सकते हैं, इस तरह ए सी डी, और जो रिजल्टेंट आ जाए उसका डायमेंशन भी आप फाइंड करें, मतलब क्या डायमेंशन आएगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले ऑर्डर लिख लें, ए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज 2 by 3। ऑर्डर ऑफ बी, दैट इज 2 by 3। ऑर्डर ऑफ सी, लेट सपोज हम लेते हैं 2 by 2। ऑर्डर ऑफ डी, दैट इज 2 by 2। तो फिर कहते हैं कि हमारे पास ये जो ऑपरेशंस दिए हुए हैं, ए प्लस बी पॉसिबल हैं, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में ये बात आप जहन में रखें, उन मैट्रिस के दरमियान एडिशन हो सकता है जिनका ऑर्डर सेम हो। एफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस विल बी पॉसिबल इफ दे हैव सेम ऑर्डर। ऑर्डर सेम होने चाहिए एडिशन के लिए। तो चले चेक करते हैं जिनका ऑर्डर सेम है वो ऐड हो सकते हैं या नहीं। तो आप देख लें यहाँ पर हमारे पास ए बी, ए प्लस बी, इसका ऑर्डर भी 2 by 3 है, इसका ऑर्डर भी 2 by 3 है, इसका मतलब है हमारे पास ए प्लस बी पॉसिबल है। तो आप लिख लें ए प्लस बी इज पॉसिबल। और जो दूसरा क्वेश्चन है, विच आर डिफाइंड गिव द डायमेंशंस ऑर्डर, डायमेंशन का मतलब है ऑर्डर क्या आएगा जो रिजल्टेंट है। तो ए और बी को आप ऐड करेंगे तो डायमेंशन भी वही आएगी, सो डायमेंशन ऑफ रिजल्टेंट विल बी आल्सो 2 by 3। ठीक है, ऑर्डर क्या इनका ऑर्डर सेम है, बी प्लस डी, B का ऑर्डर 2 by 3 है और D का ऑर्डर है 2 by 2, तो एडिशन इज नॉट पॉसिबल। जब एडिशन पॉसिबल नहीं है तो रिजल्टेंट भी कुछ नहीं आएगा, इससे डायमेंशन एक ही नहीं होंगी। इसी तरह आप फाइंड कर ले, ये थर्ड नंबर जो पार्ट है उसमें है 3a-2c। तो यहाँ पर एक जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है वो ए के साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसलिए ऑर्डर पे इसका कोई असर नहीं आएगा, अलबत्ता जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ 3 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इसी तरह सी मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर आप उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 3a-2c पॉसिबल है, ऑर्डर आप चेक कर लें कि ए और सी का ऑर्डर सेम है या नहीं। तो यहाँ 2 by 3 है और यहाँ 2 by 2 है, तो 3a-2c इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि इनके डायमेंशंस, इनके ऑर्डर सेम नहीं हैं। अब चेक कर ले लास्ट वन,
फोर नंबर पार्ट, सेवन सी प्लस टू डी। तो वही बात है कि स्केलर क्वांटिटी है, सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स है वो उन्होंने दिया हुआ है कि टू बाई टू है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आर्डर पे कोई असर नहीं आएगा, अलबत्ता एलिमेंट के साथ जस्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इसी तरह डी की भी। तो आप चेक कर ले सी और डी के डायमेंशन सेम है, तो आप यहाँ पर देख ले टू बाई टू एंड दिस इज़ टू बाई टू, तो इनका आर्डर बिल्कुल सेम है, इसलिए हमारे पास सेवन सी प्लस टू डी इज़ पॉसिबल। और जो रिजल्टेंट इससे आएगा, जो रिजल्ट इससे आएगा उसका डायमेंशन भी 2 बाई टू ही होगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो रिजल्टेंट होगा 2 बाई टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू इंक्लूड नहीं है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर एज इंडिकेटेड। जस्ट मल्टीप्लीकेशन है, स्केलर नंबर है उससे, अब उसके साथ आपने मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दैट इज A is equal to 1, 2 and 3 by 2, 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो यहाँ पर भी 2A, यहाँ पर भी 2, 1, 2, 3, तो हर एलिमेंट के साथ इस तरह के स्केलर क्वांटिटीज की मल्टीप्लीकेशन करनी होती है, जैसे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो ये आपके पास आ गया 2A मैट्रिक्स जो आंसर है। सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, उसमें है मल्टीप्लाई बी, वेयर बी इज अ मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ बाय पी एंड पी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी मतलब टू हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं, यहाँ इन्होंने पी दिया हुआ है, तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर लें। सॉल्यूशन है हमारे पास बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ एंड बाय पी, तो पी बी हमारे पास हो जाएगा पी इन टू ए बी सी डी ई एफ, तो P हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, पी ए पी बी पी सी पी डी पी ई पी एफ, ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड अ मैट्रिक्स X सच दैट 4X इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लें, A इज 4x is equal to 1, 2, 1, 4, 2, 3, minus 1, 9 and 7। तो करना आपने क्या है कि यहाँ पर 4 हमारे साथ इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो जब भी इक्वलिटी के एक साइड में मल्टीप्लिकेशन होती है दो डिजिट्स के दरमियान, तो आपने यहाँ पर वेरिएबल है तो आपने वेरिएबल ही फाइंड करना है, तो इसलिए कांस्टेंट जो नंबर है वो इसके अपोजिट प्रोसेस, मतलब यहाँ पर जो इन दोनों के दरमियान ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन, तो आपने 4 को डिविज़न में यहाँ पर लेके आना है, या अगर आप जो सिंपल तरीका है वो करना चाहते हैं, इसको भी 4 पे डिवाइड कर लें और इस सारे मैट्रिक्स को भी 4 पे डिवाइड कर लें। Divided by 4, तो यहाँ 4 4 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो x मैट्रिक्स है वो रह जाएगा, हर एलिमेंट के नीचे ये 4 लिखना है, क्योंकि ये हर एलिमेंट जिस तरह मल्टीप्लीकेशन होती है हर एलिमेंट के साथ, इस तरह डिवीजन भी हर एलिमेंट के साथ ही होगी, तो 1 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4, माइनस 1 डिवाइड बाई 4, 9 डिवाइड बाई 4 एंड 7 डिवाइडेड बाई 4। अब सिंप्लीफिकेशन जिन एलिमेंट्स की हो सकती है वो आप कर लें, जिस तरह यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 4 4, तो आपके साथ मैट्रिक्स आ जाएगा x 1 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 4, 1, 1 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 4 और माइनस 1 डिवाइड बाय 4 एंड 9 डिवाइड बाय 4 एंड द लास्ट वन 7 डिवाइड बाई 4, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, या जो x मैट्रिक्स उन्होंने रिक्वायर किया है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये 2021 के सिलेबस में, ये 2021 के सिलेबस में शामिल नहीं है। एफ ए इज इक्वल टू दिस वन, बी इज इक्वल टू दिस वन, देन फाइंड 3a माइनस बी। सॉल्यूशन, यहाँ पर 3a माइनस बी रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर देख ले, हमारे पास a भी मौजूद है, b भी मौजूद है, लेकिन 3a मौजूद नहीं है, इसलिए आपको 3 का a के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसके बाद
बी को उससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो चले 3a फर्स्ट, वी हैव टू फाइंड 3a। सो 3a, 3, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। नाउ 3a minus b will be equal to, first you have right matrix 3a, that is 9, 12, 15 and 18. Then subtract b, b is a matrix minus 3, minus 2, 1, 4, minus 5 and 3. यहाँ पर लिख ले 3a minus b will be equal to 3 minus minus 3, ये दो दफा मल्टीप्लीकेशन है, 6 minus into minus 2, 9 minus 1, 12 minus into minus 5, 15 minus 4 and 18 minus 3. माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 3 ऐड करेंगे 6 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, 9 माइनस 1 8, 12 माइनस माइनस प्लस 5 17, 15 माइनस 4 11 एंड 18 माइनस 3 15। तो ये आपका 3a माइनस b मैट्रिक्स आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 5 इंक्लूड नहीं है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, फाइंड सी सच देट ए प्लस टू बी इज इक्वल टू सी। हमें सी फाइंड करना है और सी बराबर है, सी फाइंड करना है और सी यहां पर बराबर है हमारे पास टू बी, ए प्लस टू बी। तो हमने यहां ए तो मैट्रिक्स है, टू बी हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड टू बी। सो सोल्यूशन, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड टू बी। तो 2b जो मैट्रिक्स है उसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर ले, 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 3 0, दिस विल बिकम 6 माइनस 2 4 8 4 10 4 6 0। नाउ a प्लस 2b, तो मैट्रिक्स a हमारे पास है 1 2 माइनस 3 5 0 2 एंड 1 माइनस 1 1 प्लस 2 भी जो मैट्रिक्स हमने फाइंड किया हुआ है वो लिख लें, 6 माइनस 2 4 8 4 10 4 6 0। वन प्लस 6 2, यहां पर प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गया, हमें माइनस देते हैं तो 2 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 4 5 प्लस 8 0 प्लस 4 2 प्लस 10 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 6 1 प्लस 0। ऐड कर लें, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 7 0 1 13 12 5 5 एंड 1, ये आपका हो गया मैट्रिक्स सी एंड दिस इज द आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 शामिल है, एफ ए is this and b is this, then find x such that 2a plus 3x is equal to 5b। हमें x find करना है, तो सबसे पहले इस equation को आप solve कर ले, x की value find कर ले, फिर आसानी। तो 2a plus 3x is equal to 5b, जैसा कि हमें 3x find करना है तो यहाँ 2a जो है वो उस इसको दूसरे साइड में लेके चले जाएं, तो हमारे पास 3 implies that 3x will be equal to 5b minus 2a। अब 3x
फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें 5b की ज़रूरत पड़ेगी। आप पहले 5b फाइंड कर लें। 5b विल बी इक्वल टू 5b मैट्रिक्स के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर लें, यह बन जाएगा 40। मल्टीप्लाई कर लें 5000, 4520 माइनस 10 15 एंड 30। अब माइनस 2a की ज़रूरत है, तो आप 2a रिक्वायर्ड है, तो 2a फाइंड कर लें। 2a विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स a मल्टीप्लाई बाय 2, यह बन जाएगा 2 2 4 माइनस 4 8, 4 माइनस 10 एंड 2। नाउ 3x is equal to 5b minus 2a which is equal to 5b हमारे पास है 40 0 20 माइनस 10 15 एंड 30 माइनस 2a 4 माइनस 4 8 4 माइनस 10 एंड 2। फोर्टी माइनस 4 0 माइनस माइनस प्लस 4 20 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 10 एंड माइनस 4 15 माइनस 10 30 माइनस 2। इट विल गिव अस अ मैट्रिक्स। ये आपने नीचे स्टेप लेके आना है, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए साइड में लिख रहा हूँ। 40 माइनस 4 16, 4 12 माइनस 14 माइनस 10 माइनस 4, नेगेटिव साइन लगेगा और दोनों 8 होंगे। 5 एंड 28। नाउ 3x हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, 16, 4, 12, माइनस 14, 5, 28। और हमें x फाइंड करना है, तो 3x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 16, 4, 12, माइनस 14, 5, 28 डिवाइडेड बाय 3। दिस विल गिव अस 16 डिवाइड बाय 3, 4 डिवाइड बाय 3, 12 डिवाइड बाय 3, माइनस 14 डिवाइड बाय 3, 5 डिवाइड बाय 3, 28 डिवाइड बाय 3। सिंप्लीफिकेशन सिर्फ एक ही हो सकती है, 3 वन ज़ा 3, 3 फोर ज़ा 12। तो मैट्रिक्स बन जाएगा आपके पास 16 डिवाइड बाय 3, 4 डिवाइड बाय 3, 4 माइनस 14 डिवाइड बाय 3, 5 डिवाइड बाय 3 एंड 28 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इंक्लूड है, शामिल है। फाइंड एक्स वाई जी एंड डब्ल्यू एफ थ्री, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ दिस टू मैट्रिक्स। सॉल्यूशन कंपैरिजन करना है 3xyz and w is equal to x 6 minus 1 2w plus 4x plus y 3 plus w and 3। so multiply करें 3x 3y 3z and 3w is equal to, इन दोनों matrices को add कर लें, ये x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस 3 प्लस w एंड ये 2w प्लस 3 3x 3y 3z
3w is equal to x plus 4 x plus y. 3 से 1 को माइनस करें तो ये 2 प्लस w, 2w प्लस 3. नाउ कंपैरिजन करना है करिस्पॉन्ड वैल्यूज की. सो कंपेयर करिस्पॉन्ड वैल्यूज. करिस्पॉन्ड का मतलब है 3x के सामने इस मैट्रिक्स में x प्लस 4 है, 3y के सामने यहाँ पर 6 प्लस x प्लस y है, इसी तरह 3z इसके सामने और 3w इसके सामने. तो इक्वेशन आप बना लें. सो 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, इक्वेशन फर्स्ट. 3y प्लस 6 प्लस x प्लस y, इक्वेशन 3y इज इक्वल टू 3y is equal to 6 plus x plus y, that is equation 2. 3z is equal to 2 plus w, equation 3. And the last one is 3w is equal to 2w plus 3, equation number 4. So solving equation 1. थ्री एक्स इस थ्री एक्स इस जो राइट साइड में एक्स है उसको लेफ्ट की तरफ ले आए तो ये बन जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. 3x से x को माइनस करें तो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 4, फिर 2 पे डिवाइड करें, ये कैंसिल, 2 टू जा 4, तो x इज इक्वल टू 2. एक इक्वेशन हमारे पास वैल्यू x की ये आ गई. अब x की इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है. पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2. तो 3y जो यहां पर y है इसको इस साइड में लेके आए तो 3y माइनस y इज इक्वल टू 6 प्लस x की जगह 2 पुट करें तो ये 2y बन जाएगा और ये 8. नाउ डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड. So this will cancel each other. 2 2s are 2 4s are 8. So y is equal to 4. अब यहाँ पर इक्वेशन 3 में दो वेरिएबल हैं z एंड w. तो वो हम फाइंड नहीं कर सकते, एक की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमें इक्वेशन 4 को सॉल्व करना होगा. वहाँ हम w की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर उसे इक्वेशन 3 में फुट कर लेंगे. सो सॉल्विंग इक्वेशन 4, देयर इज 3w, 2w को इस साइड में लेके आए तो ये माइनस 2w बन जाएगा इज इक्वल टू 3. तो 3w माइनस 2w 1w, जस्ट w लिखते हैं, 1 नहीं लिखते यहाँ पर, तो 3. तो ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई. नाउ लास्ट वन जो है, पुट w इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, देयर इज 3z is equal to 2 plus w की जगह आप 3 लिख लें तो 3z is equal to 5 and z divide by 3, 5 divide by 3, यहाँ 3 3 cancel, तो z हमारे पास बन जाएगा 5 divided by 3 के लिए z की वैल्यू आ गई. तीनों वेरिएबल फाइंड हो गए, x, y, w and z. क्वेश्चन नंबर 8 सिलेबस में शामिल है. फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5209 एंड एक्स माइनस वाई इज दैट वन. सो आपने फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यूज़. तो एक्स के लिए आप लिख लें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5209, दैट इज फर्स्ट नंबर. इस तरह एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 1. Two equation, 8, 1 and 2. Left side will be added just like x plus y plus x minus y. X plus y plus
ऐड लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो आपने इसको इसके साथ ऐड करना है, ये x माइनस वाई बन जाएगा जो अपनी वैल्यू ही है। यहाँ पर आपने इन मैट्रिसेस को ऐड करना है 5209 प्लस 360 माइनस 1। अब यहाँ पर माइनस प्लस तो y कैंसिल हो जाएंगे तो 2x इज विल बी इक्वल टू 5 प्लस 2, तारीख कर देते हैं 8, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 0, 9 माइनस 1 8। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर 2 2 और इस 8 8 0 8 हर एलिमेंट को हम 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8 0, 4 2 ज़ार 8। तो ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स एक्स। नाउ अगर आप मैट्रिक्स वाई फाइंड करना चाहते हैं तो दो वैल्यू दो तरीके हैं उसके, देर आर टू मेथड्स इफ़ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। सो अगर आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और वाई फाइंड कर लेंगे तो भी वो तरीका है, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो यहाँ पर जिस तरह हमने ऐड किया आप इक्वेशन वन और टू को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम वन, टू को सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए वन को पहले लिखने हैं। एक्स प्लस वाई माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कर लें, जहां पर माइनस हो ब्रैकेट जरूर स्टार्ट करना है, ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 5209 माइनस 360 माइनस 1, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 माइनस 6 0 माइनस 0 एंड 9 माइनस एंड 2 माइनस 1। तो x और x कैंसिल इज इक्वल टू 2 माइनस 4 0 माइनस माइनस प्लस तो 1 और 9 10, 2y इज इक्वल टू माइनस 4 0 10। 2y बोथ साइड को 2 पर डिवाइड कर लें तो यहां पर 2 2 माइनस 4 0 10, ये भी 2 पर डिवाइड कर लें, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हर एलिमेंट को 2 पर डिवाइड कर लें। सो ये 1 माइनस 4 माइनस 2 0 एंड 5, दिस विल बी दिस वन इज x एंड दिस वन इज y। क्वेश्चन नंबर 9 जो इंक्लूड है, लेट ए इज दिस वन, बी इज दिस वन एंड सी इज दिस वन, एफ सी इज इक्वल टू 2 एंड डी इज इक्वल टू माइनस 4, देन वेरीफाई दैट सी प्लस डी इनटू ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए। सॉल्यूशन यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ले, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू सी प्लस डी इनटू ए, वो फाइंड करना है। अब C की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। यहाँ पर जो C मैट्रिक्स दिया हुआ है वो बुक में क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ है, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं उनमें से वो नहीं हैं, जो यहाँ पर उन्होंने पार्ट्स दिए हुए हैं ये उनमें शामिल नहीं हैं। तो C की वैल्यू है हमारे पास 2, यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ D की वैल्यू माइनस 4 है तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा ये 4। अब मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, 2 माइनस 3 4 एंड 5, तो 2 माइनस 4 से माइनस 2, 2 माइनस 3 4 5, दैट इज मल्टीप्लाई कर लें हर एलिमेंट के साथ तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 4 प्लस 6 और माइनस 8 और माइनस 10, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गए 1। Now right hand side, CA, that is CA plus DA find करना है हमें, तो CA plus DA will be equal to, C की value 2 है और A जो matrix है वो 2 minus 3 4 and 5 है, plus D की value minus 4 है और matrix है हमारे पास 2 माइनस 3 4 एंड 5,
टू टू ज़ा फोर, माइनस सिक्स एट टेन। यहाँ पे माइनस कर लें तो फोर को जस्ट मल्टीप्लाई कर लें, फोर टू ज़ार एट, माइनस ट्वेल्व, फोर फोर ज़ार सिक्सटीन, फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी। माइनस मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए मैंने जस्ट फोर को इन एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो Now, C A plus D A will be equal to 4 minus 8 minus 6 minus into minus 12. यहाँ पे minus minus 12, ठीक है? इस तरह 8 minus 16 और 10 minus 20. 4 minus 8 से minus 4, minus minus plus 12 minus 6 से आ जाएगा plus 6. और ये आ जाएगा 8 माइनस 16 तो माइनस 8 और 10 माइनस 20 तो माइनस 10। दिस इज टू नंबर। सो अब फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट C प्लस D इंटू A इज इक्वल टू C A प्लस D A। वही क्वेश्चन है पार्ट टू हमारे पास है। फाइंड करें सी इंटू ए प्लस बी सी ए प्लस सी बी। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दैट इज सी इंटू ए प्लस बी। सी की वैल्यू सी इज इक्वल टू टू, टू माइनस थ्री फोर एंड फाइव, टू ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट टू माइनस थ्री फोर फाइव प्लस बी। बी मैट्रिक्स है टू फाइव माइनस वन एंड थ्री। सो टू प्लस टू माइनस थ्री प्लस फाइव, फोर माइनस वन माइनस प्लस माइनस एंड फाइव प्लस थ्री। टू प्लस टू फोर, टू थ्री एट। टू मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा एट फोर सिक्स एंड सिक्सटीन। ये दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड सी ए प्लस सी बी। सी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स है हमारे पास टू माइनस थ्री फोर फाइव प्लस टू। बी मैट्रिक्स है टू फाइव माइनस वन एंड थ्री के। टू मल्टीप्लाई कर ले इसके साथ फोर माइनस सिक्स एट एंड टेन एंड प्लस टू इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले फोर टेन माइनस टू एंड सिक्स। फोर प्लस फोर माइनस सिक्स प्लस टेन एट माइनस टू एंड टेन प्लस सिक्स एट फोर सिक्स एंड सिक्सटीन। दिस इज टू। सो फ्रॉम वन एंड टू इट इज क्लियर दैट सी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी। टू सी एम टू ए प्लस बी इज इक्वल सी ए प्लस सी बी। क्वेश्चन नाइन पार्ट थ्री सी डी एम टू ए इज इक्वल टू सी डी ए।
लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दैट इज सी डी एन टू ए, दिस विल बिकम सी इज टू, डी इज माइनस फोर एंड मैट्रिक्स ए इज टू माइनस थ्री फोर एंड फाइव. Multiply these two, so it will become 4 2s are 8, minus 8, 2, minus 3, 4 and 5. Multiply 8 2s are 16, minus 16, minus minus plus 8 3s are 24, 8 4s are 32, minus 32, 8 5s are 40, so minus 40. This one is equation number first. Right hand side, that is C into D A. C is 2 and D is minus 4 with matrix A. जो बेटर ब्रैकेट्स में होते हैं, जो ब्रैकेट्स में होते हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करना होता है, तो मैट्रिक्स ए 2 माइनस 3 4 एंड 5. Minus 8 plus 4 4 3s are 4 3s are 12, 4 4s are 16 minus 16 and 4 5s are 20 minus 20. Multiply to C and to D, C and to D A, that is minus 16 plus 24 minus 32 and minus 40. So from 1 and 2 it is clear that CD into A is equal to C into DA.